तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखेंगे बीटा डीके। ओके, तो बीटा डीके में दो डीके होगा, बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। और मैंने जब इसका इंट्रोडक्शन बनाया था तो मैंने बताया था आपको कि इस केस में इन्वॉल्व किसका आता है, आपका ये जो आप न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रॉन इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ, आप सबको पता है इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं तो पॉजिट्रॉन निकलता है, वो कैसे निकलता है एग्जैक्टली फिर मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ है ना। नहीं क्या, तो यहाँ पर लिख देंगे ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियस का टूटना डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिट आउट ऑफ दी न्यूक्लियस। ओके, और मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, एक जो न्यूट्रॉन है, एक खाली न्यूट्रॉन अगर इस नेचर में अवेलेबल है वो तुरंत अपने आप को क्या करता है, एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करता है। ये तो आप सबको याद होगा ना जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। ओके, वेल एंड गुड, डन है क्या। अभी ऐसा क्यों बोलता है बोलने से कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बन जाता है, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल चार्ज, एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव, तो इस तरह हम सोच उच करके हम लोग बनाते हैं। चलो ये सब तो बातें हमें क्लियर है, अब ध्यान देना। अब मैं आपको एक समझाता हूँ पहले, दैट इज़ मान लो आपके पास एक न्यूक्लियस है, मैं समझाने के लिए एक छोटा न्यूक्लियस लेता हूँ। मान लो मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसमें दो पॉजिटिव और दो न्यूट्रल चार्जेस हैं। क्या ये बातें क्लियर है, दो पॉजिटिव और दो न्यूट्रल चार्जेस हैं। अभी मान लो ये जो दो तुम्हारे पास थे ना, ये जो दो रेड वाले थे ना, दैट इज़ न्यूट्रल वाले, रेड वाले क्या है तुम्हारे, रेड वाले तो न्यूट्रॉन्स है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने पहले भी लिखवाया, मैं रेड अगर बनाता हूँ तो न्यूट्रॉन्स हैं और अगर ब्लू बनाता हूँ तो वो क्या है तुम्हारे, प्रोटॉन्स हैं। अभी मान लो एक ऐसा इंस्टेंस हो गया है, न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी इतना ज़्यादा, यानी हमें हीलियम है, हीलियम में इतना नहीं है, मतलब मैं समझा रहा हूँ कोई बड़ा न्यूक्लियस का है तो मैं समझने के लिए बस यहाँ पे दो बनाया, ये जो चीज़ है ये इतना अनस्टेबल हो गया, तो ये जो अपना न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन ने क्या कर दिया, अपने आप को एक प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही इस न्यूक्लियस ने अपने आप को एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हो ना, अनस्टेबिलिटी की वजह से, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी था, तो उसने अपने आप को यहाँ पे एक जो न्यूट्रॉन था उसको कन्वर्ट कर दिया, तो कन्वर्ट कर दिया तो इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हो गए, ये दो तो पहले से था पॉजिटिव चार्ज वाले पहले से था, अभी रेड वाले ने अपने आप को एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया, और ये रह गया तुम्हारा पिछला वाला, क्योंकि ये तो कन्वर्ट नहीं हुआ ना, और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन का जगह न्यूक्लियस के अंदर है क्या, ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, तो ये क्या करेगा, जैसा ये करेगा तो ये करेगा न्यूक्लियस से बाहर फेंक देगा, न्यूक्लियस से बाहर फेंक देगा, न्यूक्लियस से जब बाहर फेंकेगा इसको, समझ रहे हो क्या तुम, यहाँ पे कन्वर्जन हुआ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, अभी इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रह नहीं सकता है, तो ये लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्बिट्स है, यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्बिट्स है और उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को वो लोग ऑर्बिट में भी नहीं रखेगा, तो ये क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो कि इस तरह फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, जैसे ही बेचारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कन्वर्शन हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को मान लो कि इस ऑर्बिट में दिया, फर्स्ट ऑर्बिट में दिया, ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट है, अच्छे से बनाता हूँ, ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट है और ये मान लो सेकेंड ऑर्बिट है उसी एटम का, तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर ये सब हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज आपका एक प्रोटॉन और एक मतलब न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह नहीं सकता है तो इसको बाहर निकाल के फर्स्ट इसमें रख दिया, फर्स्ट ऑर्बिट में रखा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी ये जो एलिमेंट था उसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में भी रखने नहीं दिया, फिर क्या करेगा, यहाँ रहने नहीं दिया तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के यहाँ इस ऑर्बिट में आ गया सेकेंड ऑर्बिट में, वहाँ भी जब रहेगा उसको वहाँ भी रहने नहीं देगा, फिर उसको बाहर ही निकाल देगा, पूरा एटम से ही बाहर निकाल देगा, पल्ले पड़ा क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ 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 ऐसे घूमता है ना तो उसमें से एनर्जी निकलता है, और जब फाइनल निकलता है तब भी एनर्जी निकलता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं हो गामा रेडिएशन में, तो ये बातें तुम्हें समझ आया क्या कि असल में होता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ ज़रा तुम नोट करना, जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ था, आपका एक 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 न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में डिसइंटीग्रेट हुआ था, सो हियर आ न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट इनटू हियर अ न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये पहला बात। दूसरा,
इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड आउट ऑफ द आउट ऑफ द न्यूक्लियस। पहले तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालता है, फॉलोड बाय एटम, फिर इसको एटम से बाहर निकाल देता है। थर्ड थर्ड जो बात यहाँ पे ध्यान देने वाला है, क्या इसमें मास चेंज हुआ? ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे एक ये जो तुम्हारा न्यूट्रॉन था, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया, तो यहाँ पे मतलब क्या है, ए वाला रह गया, तो इसमें मास का चेंज नहीं होता है। हियर एटॉमिक मास इज नॉट चेंज्ड। चौथा, क्या इसमें तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ गया? द आंसर इज यस, पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ गया है। ओके, अभी इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक के अंदर रखे, उससे उतना मतलब माता पीछे नहीं है, और रखने से रख सकता है, नहीं तो बाहर फेंक देगा, कुछ एक करेगा वो, ठीक है वो बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में से बाहर निकालते हैं, एटम में से एक्साइटेड है तो निकालेगा, तो न्यूक्लियस से बाहर निकालते इतना। अब वो न्यूक्लियस से निकाल के इसको ऑर्बिट में भी रख सकता है, नहीं तो बाहर भी फेंक सकता है, उसके ऊपर है कितना अनस्टेबिलिटी में है वो। सो हियर द एटोमिक मास इज नॉट चेंज। दूसरा, क्या इसमें पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ता है? हाँ बढ़ता है, पहले दो था, जैसे ही एक न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट हुआ, तीन पॉजिटिव चार्ज हो गए। हियर पॉजिटिव चार्ज नंबर इंक्रीजेस। ओके, अब इसका हम समझाते हैं। तो इस तरह का जो कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं बीटा नेगेटिव डीके, बीटा नेगेटिव डीके, समझ गए ना कि होता क्या है इसमें। तो मैं आपको आपका बुक का एग्जांपल अभी समझाता हूँ। तो आपके पास है फॉस्फोरस 32 15, तो फॉस्फोरस के अंदर मान लो कि इस तरह बहुत सारे हैं, मतलब मैं दो ही समझाता हूँ, इस तरह बहुत सारे हैं, 32 रहेंगे, तो मतलब क्या है, 16 16 का पेयर मान लो, 16 16 के पेयर में से एक आपका जो न्यूट्रॉन है वो टूट जाता है प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। सो जैसे ही ये प्रोटॉन में टूट गया, ये फॉस्फोरस जैसे ही बीटा नेगेटिव डीके किया करके एक प्रोटॉन में टूट गया, तो नीचे वाला नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों दिखाता है, तो ये जो एलिमेंट है इसका नीचे का नंबर कितना हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज का नंबर तो 16 हो जाएगा, क्योंकि पल्ले पड़ रहा है ना, तो 16 हो गया। अब जब ये 16 बन जाता है, तो इस एलिमेंट का नाम चेंज हो जाता है, क्या नाम होता है इसका, हम भूल गया यार, फॉस्फोरस के बाद यहाँ पे कुछ एक रहेगा, तो मैं समझाने के लिए जस्ट फॉस्फोरस ही लिख देता हूँ, लेकिन एलिमेंट यहाँ पे चेंज होता है, सल्फर हो जाता है क्या, मैंने लिख दिया ऐसा, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो 15 जैसे ये कन्वर्ट हो गया 16 में, पल्ले पड़ा, पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ गया, दिख रहा है ना, समझ आया ना तुम्हें, क्या इस मास नंबर में चेंज होगा? ये तो नहीं होता है, मास नंबर चेंज नहीं होता, हमने यहाँ पे देखा ना। और साथ ही साथ में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला था ना, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साथ ही साथ में, अभी ऑर्बिट में रहने से रहेगा, नहीं तो एटम से बाहर फेंक देगा। अभी देखो, ये जो एक नया इलेक्ट्रॉन आया है ना, इलेक्ट्रॉन का एक डाइपोल मोमेंट होता है, और मोमेंटम एक कंजर्व क्वांटिटी है, तो मोमेंटम को तो बैलेंस करने के लिए कोई रहना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको इसका मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक ऐसा लगवाते हैं, प्लस लगवाते हैं, इसका काम ही है मोमेंटम को बैलेंस करना, तो लिख देते हैं यहाँ पे इज एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। अभी देखो, इसका नाम असल में न्यूट्रिनो है, एंटी इसलिए लगाया कि नेगेटिव वाला है इसलिए, ठीक है, तो एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या करता है, बैलेंस डाइपोल मोमेंट किसका, ऑफ न्यू एमिटेड इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है भाई, इस दुनिया में मोमेंटम कंजर्वड है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, कंजर्व क्वांटिटी है वो। अभी एक नया इलेक्ट्रॉन निकला है, उसके वजह से क्या हुआ, इस नेचर का मोमेंट थोड़ी ना बढ़ेगा, थोड़ी ना इसका नेचर का मोमेंटम बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा ना, तो उसको बैलेंस ही कर देता है। ये पल्ले पड़ा क्या? तो ये था तुम्हारा बीटा नेगेटिव डीके। तो बीटा नेगेटिव डीके में याद रखना, हमेशा ही नीचे वाला नंबर बढ़ जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो बढ़ जाता है, मास में चेंज नहीं होता है। अब दूसरा केस मानो, जिसको हम बोलते हैं बीटा पॉजिटिव डीके। दूसरा केस क्या कहता है, सेम मैं वही न्यूक्लियस तुम्हें समझाता हूँ, ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है ना, क्या ये पॉजिटिव वाले और रेड वाले हो गए तुम्हारे न्यूट्रल वाले। इसमें क्या हो गया, इन लोगों को कहीं से, मान लो कहीं से इस एटम को देखो, मैंने तुम्हें बनाया पढ़ाया था ना ये लाइट ओ एनिलेशन चैप्टर न्यूक्लियर वाला में, तो मान लो कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है,
कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। अभी इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, क्या है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तुमने पढ़ा है। तो अगर इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिला होगा तो ऑब्वियसली इसको पेयर में क्या मिला होगा, पॉजिट्रॉन भी तो मिला होगा। क्या बात है, क्लियर है? इसका मतलब होता है चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है, मतलब चार्ज को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिला होगा तो इस नेचर में कहीं ना कहीं एक पॉजिट्रॉन रहेगा। अगर वो इसको मिला है तो उसी टाइम पे ये भी उसके साथ आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा, जादू के जैसा आएगा, हम लोगों का मानना ऐसा ही है ना, नहीं क्या? अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ तुम्हें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आके इस पॉजिट्रॉन के साथ देखो बोलते हैं इस प्रोटॉन के साथ दोस्ती कर लिया, मतलब ये वाला प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोस्ती कर लिया, ये दोनों दोस्ती कर लिया, समझना ज़रा, ये दोनों दोस्ती कर लिया तो क्या बन गया, एक न्यूट्रॉन बन गया ना। तो इसका मतलब ये कहीं से अगर आया, आने के बाद इसके साथ दोस्ती कर लिया, तो दोस्ती करने के बाद ये नया वाला बना, ये दो यहाँ पे ऑलरेडी था और इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ। क्या ये बातें समझ आया हमें, क्या ये बातें हमें समझ आया? ये एक नया न्यूक्लियस बन गया जिसमें क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए। अभी हम बोलते अगर ऐसा हुआ होगा तो ये जो तुमने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लाया होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए एक पॉजिट्रॉन भी कहीं से ना कहीं से आ जाएगा, और पॉजिट्रॉन है तो उसको भी, उसका भी मोमेंटम होगा, लेकिन देखा नहीं हमने आज तक इसको, इसका भी लेकिन मोमेंटम होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये वाले चीज़ आएंगे। क्या बात है, क्लियर है? तो मैं अभी लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? तो इसको कहते हैं, इस तरह के डीके को कहते हैं बीटा पॉजिटिव डीके। ये हमारा सोच है, आज तक हमने कभी इस तरह चीज़ें देखा नहीं है, बस हमारा सोच है, आज थ्योरेटिकल है, कभी ना कभी प्रैक्टिकल हो जाएगा, नहीं क्या? तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बीटा डीके में लिखते हैं, आपके लिए बीटा डीके सिंपल ऐसे फॉर्मूले में इस तरह करके दे दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपका बीटा डीके में थोड़ा सा नोट लिखवा देता हूँ जो कि आपको इजी रखे। देखो ये सारा नोट्स ना, ये सारा नोट आपके बुक में इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये सारी चीज़ अभी तक हाइपोथेटिकल है, ये फिर भी ठीक है, जस्टिफाई है, लेकिन ये चीज़ कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल है, तो ये सब पार्ट नहीं दिया जाता है, फिर भी मैं तुम्हें समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ। सो इस केस में हाइपोथेटिकल क्या कहता है, वेन आ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कंबाइन विथ, पहला बात भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तक पहुंचना कोई इजी बात नहीं है, समझ रहे हो ना? वेन इलेक्ट्रॉन कंबाइन विथ प्रोटॉन इट प्रोड्यूस आ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। चलो ये भी बात ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इस केस में क्या एटॉमिक मास चेंज हुआ, पहले भी जितना एटॉमिक मास था अभी भी उतना ही है, पहले भी चार थे अभी भी चार ही है। हियर एटॉमिक मास डू नॉट चेंज, मतलब कैन एटॉमिक मास नंबर बोलो यार, क्योंकि एटॉमिक मास चेंज होता है, न्यूट्रॉन आपका हैवियर होता है, ठीक है? तो हियर एटॉमिक मास नंबर 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 चेंज नहीं होता, हियर एटॉमिक मास नंबर डू नॉट चेंज बट एटॉमिक मास चेंज, क्योंकि हमें पता है जो न्यूट्रॉन है वो स्लाइटली हैवी है। थर्ड, क्या इसमें पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ता है कि घटता है, ये तो टफ क्वेश्चन हो गया। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज का नंबर यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे दो थे, यहाँ एक हो गए, इस केस में पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ गया था, दिखा था ना आपको, इस केस में घट जाता है। हियर पॉजिटिव चार्ज नंबर डिक्रीजेस, या फिर और इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज मतलब क्या, चार्ज वैनिश होना, चार्ज वैनिश नहीं हो सकता इस नेचर में, तो इसीलिए यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन को ऐड कर दिया जाता है। तो आपके केस में जो बीटा नेगेटिव का जो एग्जांपल दिया गया है आपके बुक पे, वो है सोडियम का दिया गया है, सोडियम 22। सो इसमें मान लो बीटा पॉजिटिव डीके हो रहा है, अब इस केस में क्या रहेगा, कहीं ना कहीं से एक उड़ता हुआ इलेक्ट्रॉन आएगा। अब कहाँ कहाँ से आए क्या पता, आके क्या किया यहाँ पे दोस्ती कर लिया, पल्ले पड़ा ना, ये जो 22 था, ये जो 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन था, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, तो मतलब यहाँ 10 प्रोटॉन रह गए। अभी एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना दिया, न्यूट्रॉन बना दिया, तो कुल मिला के नंबर कितने हो गए न्यूट्रॉन के, यहाँ हो गए 10, यहाँ 10 बचे और यहाँ कितने हो गए 12, तो मतलब कुल मिला के मास नंबर कितना है, 22 ही है। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पहले 11 था, अभी कितने बन गए, 10 बन गए। अभी 10 बन गए बोलने से फिर से इसका नाम चेंज, पहले पढ़ा गया, न्यून होता है क्या, ए न्यू हो जाएगा, न्यून हो जाएगा शायद, न्यून 10 नंबर ना, ये तो इसका 10 तो इसका नाम बताता है ना,
और हम बोलेंगे अच्छा उसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ऑब्वियसली चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक पॉजिट्रॉन भी रखना पड़ेगा। अब ये पॉजिट्रॉन भी एक चार्ज के जैसा है जिसको हमने आज तक नहीं देखा है, तो इसका मोमेंटम बैलेंस करने के लिए एक न्यूट्रिनो भी डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी, इसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, और यहाँ पे जो खाली वी है इसको कहते हैं हम न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। अब देखो हमने ये सब थ्योरिटिकली किया है, हमने कभी देखा नहीं कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है, बट ऐसा ही होता है, उसके लिए हमारे पास जस्टिफिकेशन है, क्योंकि हम ये जो चीज़ों को समझाते हैं तो उसके लिए हमें दिखता है कि भाई एनर्जी निकलता है, एनर्जी क्यों ही निकलता है, तो उस जब हम सोचते हैं तो हमें ये सब चीज़ें दिखता है। पल्ले पड़ा क्या? तो बेसिकली मोटा मोटा बात ये रहेगा, बीटा डी के में दो है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया आपको समझाने के लिए कि एग्जैक्टली होता कैसे, कि हम लोग का मतलब थॉट क्या है, कि ये कैसे होता होगा, वो समझाने का मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद इस न्यूक्लियस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज़ आपका गामा डी के, वो देखेंगे, नहीं क्या? तो तब तक के लिए गुड बाय।